वित्त मंत्री जी के द्वारा जीएसटी की बैठक थी और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे अवगत किया था। मैंने सभी सम्मानित प्रतिष्ठित व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों से निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी की ओर से, उनकी ओर से जो भी सुझाव हो तो इस बैठक में मैं केंद्र तक पहुंचा सकूं। बहुत सारगर्भित और उपयोगी बैठक रही है, समय समय पर हम बैठते रहेंगे और जो सुझाव आए हैं उन्हें मैं आज माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को दूंगा। सर, मुख्य सुझाव किस तरह क्या है? पर्याप्त है आज दे दो। राजस्थान में कांग्रेस विधायक है, उनको मुख्यमंत्री ने होटल में ठहराया है, चुनाव के चलते उनको टूटने का डर है। मध्य प्रदेश में ऐसी स्थितियाँ है क्या? कुछ दिन पहले सरकार बदली है। कोई स्थिति कैसी भी कहीं भी नहीं है, सब कबूल कल्पित है। सर, स्वास्थ्य हमला कोरोना से लड़ने में लगा है ना, डेंगू मलेरिया की भी सर, उससे लड़ने की किस तरह से तैयारी? सारी तैयारियाँ पूर्ण है हमारी, ना हम कोरोना को जीतने दे रहे हैं ना डेंगू मलेरिया को जीतने देंगे, हमारी तैयारी पर्याप्त है। बस प्रार्थना आप सबके माध्यम से आम जनता से कि सावधानियां वो पर्याप्त रखें। सरकार को जो करना है सरकार कर रही है, जितने बेड चाहिए उससे 10 गुने ज़्यादा बेड हमारे पास, जितने आईसीयू चाहिए उससे 4 गुने आईसीयू है, हम पे वेंटिलेटर हैं, दवाइयां हैं, सब कुछ निःशुल्क है, लेकिन इसके बावजूद भी सावधानियां तो उन्हीं के हाथ में, हम जो कर सकते हैं हमने किया है और यही कारण है कि आज हमारी ग्रोथ रेट 69% पे आ गई है। 69% ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की हिंदुस्तान में सर्वाधिक ग्रोथ रेटों में गिनी जाती है। सर्वाधिक ठीक होने वाले पेशेंट हमारे हैं जो ठीक और स्वस्थ होके जा रहे हैं। डबलिंग में भी 31 दिन चल रहे हैं हम, इसलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है और आम जनता से। इस पृथ्वी पर 2 लोगों को ही जनार्दन कहा जाता है, एक तो जनता को जनार्दन कहा जाता है, एक परमात्मा को जनार्दन कहा जाता है। तो हमारा जनार्दन तो जनता जनार्दन है, उनसे प्रार्थना है कि कृपा करें, सावधानियां रखें, घबराएं नहीं।